फिर घर पे जाओ, घर पे जाके फ्रेश फ्रेश हो, खाना पीना खाओ, उसके बाद जो क्लास में हमारे गुरुओं ने बताया है उसका एक बार रिवीजन जरूर करो। ऐसा मत करो कि यहां से गए और रास्ता पलट दिया, घर पे पलट दिया और फिर अपने काम में या अपने उसमें लग गए। जो हमारे गुरुओं ने यहां शिक्षा दी है उसका एक बार रिवीजन जरूर करो। अगर आप लोग मन में ठान लेंगे कि हमें ये बनना है, कोई भी आईएएस पीसीएस जो भी बनना है, जो आपके मन में हो, पुलिस वाला, इंजीनियर, डॉक्टर, अगर आपने संकल्प ले लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए आपको मन लगा के मेहनत करनी होगी, अच्छा खाना पीना होगा, खाने पर भी विशेष ध्यान दिया करो। कोई दिक्कत रास्ते में, घर के आसपास, मेरी बेटियों के लिए कह रहा हूं मैं, कोई भी परेशानी आती है उसे अपने मन में बिल्कुल मत रखिए, अपने दिल में बिल्कुल मत रखिए, उसे छिपाइए मत, उसे उजागर करिए। एनीबॉडी कोई भी हो, कोई शरारती है, आपसे ज्यादा नहीं कर रहा है, उसकी तरह अपने मम्मी पापा को बताओ, अपने गुरुजनों को बताओ, उस चीज को दबा के नहीं रखना है। अब एक अभियान चला है शक्ति दीदी, मिशन शक्ति अभियान में शक्ति दीदी अभियान चल रहा है, तो वो हमारी बेटियों के लिए है। आपको हमें आगे बढ़ाना है, किसी तरह के कोई दबाव में नहीं रहना है, कोई बात होती है उसे छिपाना नहीं है, उसे उजागर करना है, अपने मम्मी पापा को बताओ, टीचर्स को बताओ, पुलिस को बताओ, उससे उसका दबाव, अगर आप नहीं बताएंगे आप मन ही मन घुटेंगे, आप प्रेशर में आएंगे, आप पढ़ाई डिस्टर्ब होगी आपकी, तो ये चीजें छिपानी नहीं है। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अगर कोई शैतानी कर रहा है तो बिल्कुल जवाब देना है उसका, ये नहीं कि आप शांत होकर निकल जाए। अगर आसपास कोई पुलिस वाले अंकल मिलते हैं तो पुलिस वाले अंकल भी बताना है। इसी तरह का कोई दबाव या वो नहीं करना है। अब रही बात, अपने घर आप जाती हो, सब लोग जाते हैं, कुछ लोग अभी बाइक भी चलाते होंगे, तो अपने घर जाके आज सब बताएंगे कि कोई भी घर वाला, भाई, पिताजी, चाचा, कोई भी बिना हेलमेट के बाइक पे नहीं जाएगा। अगर आपको बैठा के कोई ले जाता है, आपका भाई या पिताजी, तो आप जब बैठना बाइक पे, जब वो हेलमेट लगा के बैठेंगे, समझे? इस चीज का ध्यान रखना। गाड़ी में अगर फोर व्हीलर में आप जा रहे हैं और ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाए, तुरंत टोको से, अंकल पहले सीट बेल्ट लगाओ उसके बाद हम चलेंगे आपसे। आप लोग जब घर में ये बात करेंगे तो 100% इसका पालन होगा। ये सब सुरक्षा, आप साइकिल से जा रहे हैं तो अगर आपको मुड़ना है, कहीं दाहिने बाएं मुड़ना है तो आगे पीछे देख लो बेटा, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। दूसरा, मैंने देखा है कुछ बच्चे चार चार साइकिल से या मोटरसाइकिल से एक साथ चलते हैं, ऐसा मत करो, लाइन से चलो, ठीक है? तो इस पर अनुपालन होगा। एक दूसरी बात जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, मोबाइल फोन। बेटा मोबाइल फोन, अगर आपको संकल्प ले लिया आपको कुछ बनना है तो मोबाइल फोन से दूर रहना पड़ेगा, बिल्कुल दूर रहिए। जब तक आप पढ़े मोबाइल का बिल्कुल काम मत लीजिए। अगर कोई एजुकेशन से संबंधित कोई चीज लेनी है उसे यूज करिए। फेसबुक कि हमें लेना नहीं तो
सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले हो। तो इसलिए हम अगर लेन तोड़ना बंद कर दे तो हो सकता 10 लोग पढ़े लिखे